जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है सभी देश के डिफेंस एस्पिरेंट्स का। तो जिस अपॉर्चुनिटी के लिए हम वेट कर रहे थे, यानी कि कमीशन्ड एंट्री में जो पहली अपॉर्चुनिटी है, दैट इज एफकैट 1 2024, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस आज से शुरू हो गई है। आई एम श्योर कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने अपनी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट ऑलरेडी कर दी है और अब वक्त है आपको उसके फॉर्म के लिए अप्लाई करने का। नोटिफिकेशन कुछ समय पहले आ गया था, आई एम श्योर आपने चेक किया होगा। चलो एक बार उसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं और सारी चीज़ें हम एक बार उसमें निगाह घुमा लेते हैं कि एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स क्या है, पैटर्न क्या है, स्ट्रैटेजी किस तरीके से रखे हैं एफकैट के लिए, ठीक है ना, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है एफकैट में, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। चलो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये वाला जो अपना सेशन है एफकैट का, एफकैट जो एग्ज़ाम है एफकैट 1 2024, ये 2025 की बैच के लिए शुरू हो रही है, ठीक है ना। जो आपकी ट्रेनिंग जो है वो 2025 जनवरी में स्टार्ट होगी, ठीक है। कुछ पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका 18 दिसंबर को आ गया था, ठीक है, दैट वी नो, ठीक है ना। इसकी जो एप्लीकेशन है वो आज से शुरू हो गई है। इट मीन्स आप आज से लेकर 30 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं 11 AM to 11 PM, ठीक है। बाकी की कुछ जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो अभी एज ऑफ नाउ अनाउंस नहीं हुई है, जैसे कि एग्ज़ाम की डेट, एडमिट कार्ड आने की डेट। पर नॉर्मली एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले आ जाता है। एग्जाम शुड बी इन फेब्रुवरी 2023, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में होती है एग्जाम, सो वो आपको स्पेसिफिकली 2 हफ्ते पहले पता चलेगा कि आपका कौन से दिन कौन सी शिफ्ट में आया है, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट्स जो हैं वो लगभग मार्च टेंटेटिव आ जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ डिटेल्स हैं जो कि आगे आएगी, ठीक है। सबसे पहले एज एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एज की जो एलिजिबिलिटी है, बेसिकली इसमें अलग अलग दो जो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है फ्लाइंग ब्रांच, एक होती है ग्राउंड ड्यूटीज, ठीक है ना। सो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग एज एलिजिबिलिटी होती है, जो कि 20 से लेकर 24 साल के बच्चों के लिए रहती है, ठीक है। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में फॉल कर रहा है, सो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए डेफिनेटली एलिजिबल है, ठीक है ना। सिमिलरली जो ग्राउंड ड्यूटीज़ होती है उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, वो आपको 20 से लेकर 26 साल के लिए आपकी एज एलिजिबिलिटी रहती है, जो कि स्टार्ट हो जाती है आपकी 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक, ठीक है ना। बोथ डेट जो होती है वो इंक्लूसिव होती है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे इस डेट ऑफ बर्थ की रेंज में फॉल कर रहे हैं, दे आर ऑब्वियसली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी एफकैट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि टोटल वैकेंसीज जो है वो 317 वैकेंसीज आई है। वैकेंसीज जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आई है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मेन और वेमेन दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज होती है, ठीक है। सो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि मेन के लिए 28 है, वुमेन के लिए 10 है। सिमिलरली ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल वो आप अपने देख सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कि इसका पैटर्न क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एफकैट जो है एक ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होता है, जो कि उसका फर्स्ट स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज अपना इंटरव्यू आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज में आपको रिटर्न एग्जाम होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे 300 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का। सो फॉर एवरी राइट आंसर यू आर अवॉर्डेड विद द 3 मार्क्स, और फॉर एवरी नेगेटिव यू आर डिडक्टेड 1 मार्क्स, ठीक है ना। जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल यानी कि मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है ना। मेन ये 4 आपके सेगमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। आफ्टर क्लियरिंग द रिटर्न एग्जाम आपको जो है SSB इंटरव्यू के लिए जाना होता है, क्योंकि ये एफकैट का SSB होता है, तो इसको हम AFSB बोलते हैं, ठीक है ना। तो एफकैट के SSB के लिए भी आपको सिमिलर पैटर्न होता है, जो कि हमारा SSB इंटरव्यू का होता है, विच इंक्लूड्स स्क्रीनिंग, देन साइक टेस्ट, देन GTO एंड देन फाइनल इंटरव्यू, ठीक है ना। पैटर्न सिमिलर होता है, थोड़े से माइन्यूट चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो SSB और AFSB में, देन आपका मेडिकल होता है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका सिलेबस है। सिलेबस जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि 4 मेन कैटेगरीज है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड्स सोशल साइंस, साइंस एंड करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है ना। मैथ्स आप अगर ऐसे कंपेयर करें तो 8th 9th 10th का जो लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए हम कई सारे वीडियोज़ भी डालेंगे आपके एफकैट स्पेसिफिक, तो वो आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और जो लास्ट सेगमेंट होता है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। रीजनिंग में आपको मेनली वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें आपको प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें तो एक बार आप इस पर निगाह घुमाएं, अगर पिछले 5 अटेम्प्ट आप देखेंगे 155 प्लस ही कट ऑफ गया है, और मैक्सिमम सारे जो कट ऑफ है वो 150 प्लस ही गए हैं। सो आउट ऑफ 300 आप मान सकते हैं कि 50% एंड अबव ही इसमें जो है कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे,
तो आपको जो है प्रिपरेशन 175, 180 या उसके भी ऊपर की करना पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। आप अभी लास्ट अटेम्प्ट देखेंगे 165 था, 165, देन अगर 2022 के देखेंगे 157, 157। सो कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली, जैसे कि 2016 का अगर हम कंपेयर करें तो 132 था, और लगातार जो ये कट ऑफ बढ़ रहा है वो यही साइन दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं इसमें अपना 100% डेडिकेशन से भिड़े हुए हैं, बस कि डिफेंस में ऑफिसर बनना है, वर्दी पहनना है। तो ये जो लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, कि मुझे उम्मीद है कि जितने ज़्यादा अभी हम संख्या में देखते हैं कि एस्पिरेंट्स का जो रुझान है डिफेंस की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वही इस बात का इंडिकेशन है कि कट ऑफ जो है वो और बढ़ भी सकता है। सो उससे हमें घबराना नहीं है, हमें अपनी जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर करते जाना है बस। ठीक है, अब अगर लास्ट स्लाइड की हम बात करें, सो हाउ टू गेट स्टार्टेड इफ इफ यू आर नॉट, ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं बहुत ही बढ़िया है, आप जैसे कर रहे हैं अगर आप बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको कोई गाइड करने वाला है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते जाइए। अभी तक अगर कुछ बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है, स्टिल यू हैव अप्रॉक्सीमेट लाइक 60 to 70 days, ठीक है ना, तो इसमें भी हम लोग काफ़ी कुछ अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट फर्स्ट अगर हम कुछ ऑफलाइन बैचेस की बात करें, तो इंदौर डिफेंस एकेडमी में आप विजिट कर सकते हैं। हमारी जो न्यू बैचेस है एफकेट सेंट्रिक, एफकेट 1 2024 सेंट्रिक, उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये 60 to 70 days में हम आपका जो सिलेबस है वो पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा एग्जाम सेंट्रिक ढंग से इसको कवर करवा देंगे, और मेक श्योर करेंगे कि आपका इसमें सिलेक्शन हो। उसके लिए आप हमको गिवन नंबर्स पर इंक्वायरी कर सकते हैं। जो बच्चे दूर हैं, इंदौर नहीं आ सकते हैं और एफकैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए हम फ्री यूट्यूब वीडियोज़ भी डालते रहते हैं चैनल पर। अभी रिसेंट में आप ई गुरुकुल सीरीज़ देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने फुल इन डिटेल कवर किए हुए हैं, जिसका आपकी तरफ से बहुत प्यार और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। ठीक है, सिमिलरली हम एफकैट सेंट्रिक थोड़े से मैथ्स के वीडियोस, कुछ रीजनिंग के वीडियोस और इंग्लिश के, ये सब भी, और साथ साथ डिफेंस डिफेंस अपडेट्स, तो ये सारे वीडियोस जो हैं आपको कमिंग एग्जाम जो एफकैट है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया जाता है, ताकि जो बच्चे दूर हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते या इंदौर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए वो काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज अगर लगाना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक स्टडी पोर्टल है, study.indoraDefenseAcademy.com। उस पर आप जैसे ही जाएंगे, आप लॉग इन कर लीजिए अपने नंबर से OTP बेस्ड, एंड देन वहाँ पे आपको एक एफकैट का सेगमेंट मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आपको वहाँ कई सारे मॉक्स और बहुत सारे PYQs जो हैं काफ़ी रीजनेबल रेट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो वो जो मॉक्स हैं वो आप जैसे ही देंगे, तो आपको एक रियल टाइम एग्जाम का आइडिया भी लग जाएगा, कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कौन से अभी अटेम्प्ट करना है, कौन से हेल्ड फॉर मार्क रखना है, या फिर बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं वो आपको यहीं पर शायद सॉल्व हो जाएंगे इन मॉक्स को देकर। ठीक है ना, सो आई एम श्योर कि वीडियो आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है रिलेटेड टू एफकैट नोटिफिकेशन एंड स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर। ठीक है ना, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट दोज इन कमेंट्स एंड माई टीम विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आप एफकैट के लिए प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, और ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, जल्दी मिलते हैं विथ योर गुड रिजल्ट्स एंड मोस्ट प्रोबेबली फॉर SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।